Okay students, today we are going to start new chapter, that is probability. Probability is nothing but possibility. Probability का मतलब क्या है? Possibility. जैसे हम लोग रोज के इसमें होते ना, ये possible है, वो possible है, ऐसे वैसे या फिर likely, तो इसे हम लोग कहते हैं possibility. समझ में? जैसे हम लोग ने बचपन में तुम लोग ने वो टॉस खेला होगा, ओके, छापा काटा, उसके बाद लूडो खेलते हैं, तो उसमें पॉसिबिलिटीज होते हैं, राइट? तो वही पॉसिबिलिटी है प्रोबेबिलिटी. क्वेश्चन नंबर 1, 5.1. ओके, 5.1 में देखो, फर्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी पॉसिबिलिटीज आर देयर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग. इसमें कुछ क्वेश्चन दिए, चार हम लोग क्वेश्चन दिए, एक्सपेरिमेंट दिए, और एक्सपेरिमेंट पॉसिबिलिटीज कितने हम लोग को फाइंड करने, ठीक है? नाउ फर्स्ट क्वेश्चन इज वनिता नो द फॉलोइंग साइट्स इन महाराष्ट्र, शी इज प्लानिंग टू विजिट वन ऑफ देम इन हर समर वेकेशन. वनिता है, वनिता को महाराष्ट्र के 8 प्लेस पता है जो नीचे दिए है. शी इज प्लानिंग टू विजिट वन ऑफ देम इन हर समर वेकेशन, उसके समर वेकेशन में इसमें से एक प्लेस पे उसको जाना है. प्लेसेस आर अजिंठा, महाबलेश्वर, लोनार सरोवर, ताड़ोबा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, अम्बोली, रायगढ़, माथेरान एंड आनंदवन. ऐसे 8 प्लेस है. 8 प्लेस में से पॉसिबिलिटी क्या है कि वो कहाँ पे जाएगी. नाउ सी सॉल्यूशन इज देयर आर 8 प्लेस टू चूजन रैंडमली. 8 जगह उसके पास, 8 जगह में से कोई भी एक प्लेस हो क्या कर सकते, सिलेक्ट कर सकते अपने लिए कहाँ पे उसको घूमने जाना है, राइट? देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ वेज इन विच एनी वन प्लेस कैन बी चूजन इज 8. तो इसकी पॉसिबिलिटीज क्या है? 8 है. मतलब 8 में से कोई भी एक प्लेस जा सकते ना, तो कहीं पर भी जा सकते हैं. तो उसके पास कितने प्लेस है? 8 प्लेस है, इसलिए पॉसिबिलिटी क्या है उसकी? 8. मतलब वो कहीं पर भी जा सकते हैं, अजंता वेरो जा सकती है, रायगढ़ जा सकती है, माथेरान जा सकते हैं, कहीं पर भी जा सकती है. आया समझ में? ये सिंपल है. जो मेन है वो हम लोग 5.3 और 4 पे है. ओके, सो टोटल नंबर ऑफ वेज इन विच एनी वन प्लेस कैन बी चूजन इज 8. सेकेंड इज एनी डे ऑफ अ वीक इज टू बी सिलेक्ट रैंडमली. हफ्ते में कोई एक दिन है, तो हफ्ते में कौन सा दिन हो सकता है? हफ्ते में कौन सा दिन है, राइट? तो उसकी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है? और वीक है तो 7 डेज टू चूजन रैंडमली. उसके बाद 7 दिन है, 7 में से कोई भी एक दिन को क्या कहते हैं? सिलेक्ट कर सकते हैं अपने लिए उसको घूमने जाना है, राइट? नाउ टोटल नंबर ऑफ वेज इन विच एनी वन डे कैन बी चूजन इज 7. जैसे यहाँ पे 8 है, यहाँ पे क्या है? 7 है. ये स्टेटमेंट हर जगह पे तुम लोग को सेम, बस नंबर चेंज हो जाएंगे. टोटल नंबर ऑफ वेज इन विच एनी वन डे कैन बी चूजन इज 7. मतलब 7 में से कोई भी दिन हो क्या कैसे सिलेक्ट कर सकती है, इसके लिए पॉसिबिलिटीज क्या है? 7. थर्ड इज सिलेक्ट वन कार्ड फ्रॉम द पैक ऑफ 52 कार्ड्स. 52 कार्ड्स का एक पैक है, प्लेइंग कार्ड्स होते हैं ना, पता है रमी वगैरह खेलने के जो कार्ड्स है, तो एक पैकेट में 52 कार्ड्स होते हैं. मेन कार्ड्स 52 होते हैं और दो जोकर होते हैं. तो यहाँ पे दो जोकर को इग्नोर करके ओनली 52 कार्ड्स लिए, तो 52 कार्ड्स है वहाँ पे. देयर आर 52 कार्ड्स, मतलब क्या? टोटल नंबर ऑफ वे इन विच एनी वन कार्ड कैन बी चूजन इज 52. मतलब इसमें पॉसिबिलिटी क्या है? 52 पॉसिबिलिटीज है. कौन सा कार्ड आएगा इसकी पॉसिबिलिटीज क्या है? 52. क्यों? क्योंकि 52 कार्ड है और 52 कार्ड में से कोई भी एक कार्ड आ सकता है. एंड देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ वेज इन विच एनी वन कार्ड कैन बी चूजन इज 52. ये तुम लोग को MCQs में क्वेश्चन आ सकता है. नेक्स्ट इज फोर्थ, वन नंबर फ्रॉम 10 टू 20 इज रिटन ऑन ईच कार्ड, सिलेक्ट वन कार्ड रैंडमली. कुछ कार्ड है हमारे पास, उस कार्ड के ऊपर 10 से लेकर 20 तक, तो 10 also countable. ओके, सो 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. टोटल कितने कार्ड्स है? 11 कार्ड्स होते. कितने कार्ड्स होते? 10 टू 20 तक 11 कार्ड्स होते हैं. सो टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स इज 11. देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ वेज इन विच एनी वन कार्ड कैन बी चूजन इज 11. मतलब 11 कार्ड है हमारे पास, तो अगर रैंडमली उसमें से एक कार्ड निकालना है तो उसकी पॉसिबिलिटीज क्या होती है? 11, क्योंकि 11 में से कोई भी एक कार्ड आ सकता है. समझ में? ये सिंपल है, ये 1-1 मार्क्स के लिए आ सकता है. दिस इज बेसिक. इसके आगे हम लोग नेक्स्ट कंटिन्यू करेंगे.